दोस्त, आज फिर से आपको आरबीसी चैनल पे एक हर अलग अलग हर दिन आपको 7 बजे अलग अलग लीडर के साथ, बेहतरीन लीडर के साथ, बेहतरीन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी के साथ आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो आज भी एक बिहार से ही फिर से बिहार के लीडर को सुनने को आज मौका मिलेगा और उनका भी कहानी आज बहुत ही गजब है, बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके आज वो आए हैं। और दोस्तों, आज उनकी कहानी से आज सीखने को आज बहुत कुछ हम लोगों को मिलेगा। वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसे को बर्बाद करते हैं इधर उधर, कभी वो काम, कभी वो काम, कभी वो काम, है ना। तो आज वो जो ऐसे शख्सियत को जो हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पे, आरबीसी यूट्यूब चैनल पे, जो बहुत सारे डीएक्शन में आने से पहले बहुत जगह पे पैसे को बर्बाद किया और उसके बाद कैसे डीएक्शन में उनकी सफलता मिली, डीएक्शन में कैसे वो आए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जहानाबाद के रहने वाले बिहार से मिथिलेश कुमार यादव, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और एमएससी पास करते हैं और चल देते हैं नौकरी की तलाश में। दोस्तों, आज हमारे बिहार में या पूरे इंडिया की बात अगर की जाए तो हम लोगों का दिमाग में एक ही बात सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ो और अच्छा नौकरी करो, बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ो, अच्छा नौकरी करो और कैरियर सेट कर लो। लेकिन नौकरी से कहीं कैरियर सेट होता है? 30 साल 35 साल 40 साल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी बात है, लेकिन आज फाइनेंशियल जो फ्रीडम नहीं मिल पाता है नौकरी से, हेल्थ फ्रीडम नहीं मिल पाता है, एक आम आदमी को ये जानना बहुत जरूरी है कि कैरियर किसे बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम 40 साल काम करते हैं पैसा आता है, उसके बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो पैसा आना बंद कर देता है, इसको कैरियर नहीं बोलते हैं। कैरियर का मतलब क्या है वो समझेंगे, आज बहुत सारी चीज मिथिलेश और उसके बाद तो हम सबके स्वयं महागुरु प्रोफेसर साहब लास्ट में क्लोजिंग करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि महागुरु जो बहुत बड़े नौकरी करते थे 22 साल पहले, सोचिए कि मध्यपुर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उस नौकरी को एक समय में 22 साल पहले 1 लाख रुपया की मंथली इनकम था नौकरी, उसको रिजाइन मार के आए थे, आवाज शायद करोड़ों में इनकम है उनका, तो वो क्यों छोड़े थे वो भी बताएंगे आपको। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएससी पास करते हैं और चल देते हैं वो मिथिलेश जी नौकरी की तलाश में और नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद नेटवर्क उस जमाने की 10 साल 15 साल पहले उस जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसी होती है वो आप लोग जानते होंगे, एकदम बहुत तेजी से आता था, तूफान की तरह जाता भी था, तो वो उस तरह से 2-3-4 कंपनी में फंस चुके थे और जिससे नेटवर्क कंपनियों के नाम से उनको एकदम नफरत हो चुका था और वो किसी का कोई असली कंपनी के भी बारे में सुनना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उसी बीच क्या करते हैं कि वो लास्ट में घर पे आके वो आइस फैक्ट्री, बर्फ का फैक्ट्री करते हैं, उसके बाद वो आइस फैक्ट्री, उसके बाद डेकोरेशन का काम शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें भी फेल, आइस फैक्ट्री में फेल, डेकोरेशन में भी फेल, वहां भी पैसा बर्बाद किए, उसके बाद एक जीप कमांडर निकालते हैं कि किसी तरह से जीवन गुजर बसर करना है। दोस्तों, हमारे देश का ये बहुत सारे युवा को ये हाल है, तो आज बहुत सारे युवा को ये एक मौका मिलेगा, सुनहरा मौका मिलेगा इनको सुनने को, इनको सुन करके, इनको देख करके आज वो जोश पैदा होगा। आज सभी को इनकी मीटिंग जरूर सुनाए कि आज कैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, तो इनको जरूर आज की मीटिंग सुनाए। तो वो आइस फैक्ट्री करते हैं, बंद हो जाता है, फेल हो जाता है, डेकोरेशन करते हैं, फेल हो जाता है, उसके बाद जीप कमांडर चलाते हैं, वो भी फेल हो जाता है, उसके बाद थक हार के गाँव में चले जाते हैं और वहां गाँव में वो फिर एक मिल तैयार करते हैं, चूड़ा मिल, धान मिल, आटा मिल, मसाला मिल, गेहूं मिल, ये शुरू करते हैं और वहां पे अपना उसी को जिंदगी मान लेते हैं। उसी बीच उनकी पत्नी को स्वास्थ्य से प्रॉब्लम होता है, गैस कब्जियत में काफी बीमारी में उनको ये होता है, उनके भाई, वो बहुत सारे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं लेकिन गैस का गोली खा खा करके और बीमारी बढ़ जाता है, तो उनके भाई शिवशंकर कुमार जो पिछली बार यूट्यूब चैनल पे आए थे,
तो उन्हीं के भाई उनके पास जाते हैं, बताते कि ये वाला आप चाय पिलाइए, बहुत अच्छा है, चाय अस्पताल से मुलाकात होता है, वो खाना शुरू करते हैं। पहले तो नेटवर्क जब बताए तो समझ में नहीं आ गया, अरे यार हम सब जानते हैं, लेकिन जब चाय अस्पताल के बारे में बताया कि इससे गैस कब्जियत में बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है, तो वो विश्वास करके खाना शुरू किए, और जब विश्वास करके खाना शुरू किए तो वो प्रोडक्ट उनको नेटवर्क मार्केटिंग में मजबूरी उतार देता है, और वो पार्ट टाइम डीएक्सएल को लेके शुरू करते हैं। और दोस्तों डीएक्सएल धीरे धीरे चल पड़ता है, और डीएक्सएल से जब 20,000 रुपया महीना आना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों वो चूड़ा मिल, आटा मिल, दाल मिल और मसाला मिल उसको बंद कर देते हैं और फुल टाइम डीएक्सएल में उतर जाते हैं। और आज डीएक्सएल ने मिथिलेश कुमार यादव की जिंदगी पूरी तरह से बदल दिया, और आज डीएक्सएल से जो 30 साल काम किए, दूसरी जगह पे संघर्ष किए, कोई सफलता नहीं मिला, एक जमीन का टुकड़ा नहीं ले पाए, लेकिन डीएक्सएल से एक जमीन खरीदे, बढ़िया झकास घर बनाए, और साथ ही साथ मारुति स्विफ्ट डिजायर अपनी इनकम से, डीएक्सएल की इनकम से कार खरीदे, और साथ ही साथ डीएक्सएल ने मलेशिया भी घूमने का मौका दिया। और दोस्तों यही नहीं रुकता है सफर, और साथ ही साथ NTSIP मुनार भी घूम करके आए, और इस बार दुबई भी ITSIP वो दुबई भी क्वालिफाई कर चुके, और साथ ही इनका पोस्ट डबल डायमंड पोस्ट है, और आज 80,000 रुपया पर मंथ का इनकम, RBC मिलेनियर क्लब में एक सदस्य है। और दोस्तों तो अब हम चाहेंगे, देर न करते हुए, काफी आप लोग वेट करना पड़ा आप लोग को, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तो देर न करते हुए आज खुद इनकी जुबानी सुनेंगे क्या है इनकी असली सफलता का राज। तो देर न करते हुए मैं RBC चैनल YouTube चैनल पे मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश कुमार यादव जी, मैं आपको स्वागत करता हूँ RBC YouTube चैनल पे, वेलकम। पहले मैं अपने मालिक जय ओंकार को याद करता हूँ कि उनकी मर्जी से मुझे डीएक्सएल मिला, और डीएक्सएल के फाउंडर डेटो डॉक्टर लिम से जिनको मैं चरण छूकर स्पर्श करता हूँ। उसके बाद हमारे गुरु माता गुरु पिता प्रोफेसर साहब रत्ना मैम को मैं चरण छूकर स्पर्श करता हूँ। उसके बाद RBC चैनल पर आचार्य कहलाने वाले हमारे माननीय अग्रवाल सर को मैं चरण छूकर नमन करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर एस रंजन या जितने भी अपलाइन हैं सबको मैं चरण छूकर स्पर्श करता हूँ। मेरे अपलाइन जितने हुए उषा मैडम रजी सर या जितने अपलाइन हैं सबको मैं, या यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। जहानाबाद जिला अंतर्गत सकुराबाद बिहार अंतर्गत मैं निवासी हूँ। मुझे शुरू में पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो मैं देहात के स्कूल से मैट्रिक किया था। उसके बाद हमारे माता पिता को बहुत शौक था पढ़ाने का, उन्होंने मुझे पटना NE कॉलेज से, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा भाग्य छोटा है, लेकिन नहीं, हम थक हार करके फिर टेंटा मिल बिठाने का काम किए, चूड़ा मिल, तेल मिल, धान मिल, आटा मिल और मसाला मिल, और अपने आप में चला रहे थे। चलाते चलाते मुझे समझ में आ गया कि मतलब मेरा भाग्य में यही लिखा हुआ है। इसी बीच मुझे डीएक्सएल मिलता है। हमारी पत्नी को गैस और BPLO का प्रॉब्लम था, उसी बीच हमारे भाई शिवशंकर जी जो मेरे अपलाइन हैं इस चाय के बारे में बताते हैं कि भैया भाभी को ये चाय पिलाइए, चाय पीने से गैस का प्रॉब्लम दूर होगा और BP में जो पानी चढ़ाते हैं BP का प्रॉब्लम दूर होगा। तो मैं इस चाय या अस्पताल के नाम पर भी मतलब बहुत बड़ा खुशी व्यक्त करता हूँ कि यदि ये नहीं मिलता तो हमारे जीवन में डीएक्सएल नहीं मिल पाता, तो आज मैं उसी मिल में अपना चूड़ा मिल, तेल मिल के साथ उसी मिल में घूमते रहते, इसलिए बहुत बड़ा जिंदगी बदलने का काम किया है डीएक्सएल चाय और डीएक्सएल अस्पर्लिना। लेकिन मेरा भाई मुझे विश्वास दिलाया कि भैया इसमें काम कीजिए, आप मिल कितना दिन चलाइएगा। हम बोले जब तक उसको बताने का काम किए, बताते बताते जब सप्ताह में एक दिन हम मिल बंद कर फील्ड में जाते थे तो लोग हंसते थे कि अब डॉक्टरी करने नहीं जा रहा था, मुझे तो कुछ और सोच था। और धीरे धीरे मैं 20,000 रुपये आया तो मैंने मिल बेचने का करें। बहुत सारे मेरे ही परिवार सब कॉल किए कि आप मिल क्यों बेच रहे हो। हम सोचे कि मिल क्यों बेच रहे हैं, हमें पता है कि हमको कितना भार पड़ता है। मिल हमने बेचने का डिसीजन लिया और अंततः मिल बेच दिए और फुल टाइम डीएक्सएल करना शुरू कर दिए। आज मैं डबल डायमंड के पोस्ट पर हूँ, लेकिन डबल डायमंड का पोस्ट है मुझे, लेकिन उस लायक मेरा बोनस नहीं है।
75,000-80,000 डिडक्शन में कोई बोनस नहीं है। डबल डायमंड का बोनस का मतलब 2 लाख से ऊपर, इसलिए मैं उस बोनस से खुश नहीं हूँ, पोस्ट मुझे मिल गया है। लेकिन खुशी इस बात की है कि डिडक्शन करने के बाद मुझे सपना भी नहीं देखे थे कि मेरे घर में 4 चक्का गाड़ी आएगा। मैं 26 जनवरी 2020 को एक स्विफ्ट मारुति कंपनी का गाड़ी लिया और अब उसी समय अपना मीटिंग देना शुरू किया। अब मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या पावर है। तो यदि हमारी पत्नी को प्रॉब्लम इससे दूर नहीं होता तो मेरा पैकेट का प्रॉब्लम दूर नहीं होता। आज गाड़ी पर चढ़ने का मौका मिला तो डिडक्शन के बदौलत थी। उतना ही नहीं, मैं बता रहा था कि हर आदमी हर काम को नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर वकील काम नहीं करेंगे, वकील डॉक्टर काम नहीं करेंगे, लेकिन डिडक्शन हर व्यक्ति कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर चाहत चाहिए, जुनून चाहिए और तमन्ना चाहिए। दुनिया की हर दवा हर व्यक्ति नहीं खा सकते। जैसे कैंसर की दवा हार्ट वाले नहीं खाएंगे, हार्ट की दवा कैंसर वाले नहीं खाएंगे, लेकिन डिडक्शन प्रोडक्ट दुनिया के हर व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो रोगी हो, निरोगी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो या गर्भवती महिला हो, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए मैं डिडक्शन को नमन करता हूं। तीसरा फैसिलिटी, एक कलेक्टर का लड़का कलेक्टर नहीं बन सकते, एक हेडमास्टर का बेटा हेडमास्टर नहीं बन सकते, लेकिन डिडक्शन में एक डायमंड का बेटा डायमंड ही बनेगा, क्राउन मिनिस्टर का बेटा क्राउन मिनिस्टर ही बनेगा। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन में है। ऐसे स्कूल में किताबी शिक्षा दिया जाता है, किताबी नॉलेज दिया जाता है। बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, औरंगजेब कौन था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, लेकिन डिडक्शन में गरीब को अमीर बनने का पढ़ाई पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी डिडक्शन में है। नहीं तो जाति पूछा जाता है, नहीं तो धर्म पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसको अमीर बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाला यूनिवर्सिटी आरबीसी चैनल है। ये फैसिलिटी सिर्फ डिडक्शन में है। अब सभी लोग परेशान हैं, पैसा पैसा पैसा, कौन पैसा, ट्रेन से बस से जहाज से भागे जा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, कौन पैसा खोज रहे हैं, पैसा तो डिडक्शन में है। 3 तरह का पैसा, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। एक्टिव इनकम 8 घंटा ड्यूटी करके लोग कभी अमीर नहीं बन सकता है, कभी चाहत नहीं पूरा कर सकता है, उसके लिए उसको 8000 घंटा अनगिनत घंटा काम करना पड़ेगा अनगिनत पैसा कमाने के लिए। इसलिए एक्टिव इनकम 8 घंटा, काम बंद पैसा बंद, इसी में 90% लोग परेशान हैं। पैसिव इनकम लोगों की ताकत, पैसे की ताकत, पावर ऑफ पीपल या तो पावर ऑफ मनी। ये सुविधा डिडक्शन प्लेटफॉर्म पर है। आखिर इसके अंदर ताकत है तब तो दुनिया के पूरे देश में रन कर रहा है। तीसरा फैसिलिटी कि कोई भी व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करके आगे नहीं जा सकता है। और तीसरा इनकम पोर्टफोलियो इनकम, जो पैसा से पैसा कमाया जाता है, इंटरेस्ट पर लगा दें, शेयर में लगा दें, सूद पर लगा दें और वो रातों रात पैसा बढ़ता जाता है। लेकिन जब भी सपना पूरा करना पड़ेगा तो उसको पैसिव इनकम करना पड़ेगा। 8 घंटा ड्यूटी करके कभी अमीर की जिंदगी नहीं लोग जी सकते हैं, कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जिनके अंदर चाहत है, तमन्ना है, उनके अंदर नेटवर्क है। मिसाल है बिल गेट्स पूरा विश्व में अकेला राज कर रहे हैं, मुकेश अंबानी पूरे भारत में राज कर रहे हैं, टाटा मोटर बाटा के मालिक, जितने भी मालिक हैं, जितने भी मतलब सिस्टम के मार्फत पैसा कमा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, एक एक घर में पोलियो ड्रॉप जैसा, जैसे पोलियो ड्रॉप सरकार का मिशन है कि पोलियो को भगा देना है भारत से, नाखून रंग करके ट्रेन में, बस में, स्कूल में, झोपड़ी में बच्चा को पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है, आज पोलियो बच्चा को मारना कम हो गया। उसी तरह से हम लोग को एक एक घर में उसकी माँ बाप को गैस, बीपी, बौसी, लिकोरिया, धाद, आने वाला इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मेरे पास जो है पूरा संसार में इकलौता है, जड़ी बूटी का महाराजा है, राजा नहीं महाराजा है। इसी महाराजा को हम लोग को चारों तरफ नेट पर खड़ा कर देना है। एक समय था कि जब मोबाइल का जमाना आया, जियो का जमाना आया था, तो नेटवर्क के चलते टावर गाड़ा जा रहा था। लोग कहता था कि तो पागल है, पागल है कि सब जंगल पहाड़ में टावर लगा रहा है। लेकिन वो पागल नहीं था, टावर के मार्फत हम लोग को पैकेट से पैसा छीन दिए। मुझे क्या करना है, एक एक इंसान गैस की समस्या से, पेट में गैस की समस्या और पैकेट में कैश की समस्या,
दोनों समस्या से ग्रसित है, उस समस्या का समाधान डी एक्शन प्लेटफॉर्म पर है, उसको हम लोग को जा करके बताना है। इस चाय को पीने से गैस ठीक होता है और बताने से कैस आता है, गैस और कैस की समस्या का समाधान डी एक्शन प्लेटफॉर्म पर है। आखिर इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, लोग को बताना पड़ेगा। पूरा कंफर्म है कि आने वाला समय में बीमारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज के डेट में भोजन पानी हवा बिल्कुल हम लोग को विपरीत चल रहा है। एक एक कोर में जहर जा रहा है, एक एक घुट में जहर जा रहा है। हम लोग को इंग्लिश नाम का खाना आ गया, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, अंडा, बर्गर, पिज्जा, मोमो, ये सब कहाँ से आ गया? आ गया इसके साथ साथ इंग्लिश नाम का बीमारी भी आ गया, शुगर, बीपी, थायराइड। इंग्लिश नाम का हॉस्पिटल आ गया पटना में, एम्स जो दिल्ली में था, मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस, लेकिन खाना इंग्लिश, बीमारी इंग्लिश, हॉस्पिटल इंग्लिश, तो इलाज कराने के लिए इंग्लिश नाम का पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ मिलेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, डिएक्शन मार्केटिंग इंडिया में। इसलिए वैसा जब पैसा कमाना है तो उसके लिए डिएक्शन मार्केटिंग इंडिया को अपनाना पड़ेगा, टावर लगाना पड़ेगा। कन्फर्म है कि एक एक इंसान बीमारी के घेरा में आने वाला है, एक एक इंसान पैसे की तलाश में घूम रहा है, तो खाने के बाद स्वास्थ्य और बताने के बाद पैसा। आखिर जितने भी लोग अमीर बने हैं उनको अमीर बनने का वही कारण है कि घंटा नहीं देखे हैं, उनके नीचे अनगिनत घंटा काम हुआ है और उसी घंटा के बदौलत उनके पास अनगिनत पैसा आ रहा है, आगे जा रहे हैं। हम लोग को क्या करना है? खाने के बाद स्वास्थ्य और बताने के बाद पैसा। एक एक इंसान चिल्ला रहा है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कहाँ मिलेगा? आपके पास पूरा विश्व का इकलौता जड़ी बूटी है, महाराजा है, इसके पास सारा गुण है, इम्यूनिटी का खजाना है। इसलिए जो इसको प्रयोग करेंगे उनके पास कोई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, कोई तरह की बीमारी नहीं आ सकता है। इसलिए खाने के बाद स्वास्थ्य और बताने का पैसा। एक एक इंसान बता रहा है कि बीमारी के कगार पर जा रहे हैं, एक एक घुट में जहर जा रहा है, पानी में आर्सेनिक आयरन फ्लोराइड की मात्रा बढ़ता जा रहा है, आने वाला समय क्या होगा? एक एक इंसान को बीमारी से बचना पड़ेगा। एक एक हॉस्पिटल हाथ उठा दे इस कोरोना में कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आखिर कैसे होगा? इसलिए सब जगह थक हार जाने के बाद आपके पास एक बचा है डी एक्शन गैनोडर्मा, इसको अपनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम निरोग बने, तो निरोग बनने के लिए, अमीर बनने के लिए वही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डी एक्शन, उसको अपनाना पड़ेगा। आज हमारे अग्रवाल सर 3500 पीवी की बात किए, मैं उनको नमन करता हूँ। 3500 पीवी इज हाइब्रिड सीड, 3500 पीवी हाइब्रिड के समान है। 3500 पीवी करने के बाद फास्ट ग्रो, हाइब्रिड कैसे बढ़ता है? फल सब्जी हाइब्रिड की तरह बढ़ता जाएगा, और वही व्यक्ति जो 3500 पीवी करेंगे वही लंबा लंबा सपना देखेंगे और वही आगे जाएंगे, करोड़ इन्वेस्टर बनेंगे और करोड़ों में पैसा कमाएंगे। इसलिए मैं 3500 पीवी को नमन करता हूँ और उसको मतलब सैल्यूट करता हूँ। इसलिए आने वाला समय 3500 पीवी करने के बाद ही ग्रोथ होगा, इसलिए हर लोग को मैं कहता हूँ कि 3500 पीवी करना आवश्यक है। आखिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसी तरह से चाहत होनी चाहिए। मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक खरगोश था और एक कुत्ता था, तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता बहुत तेजी से पीछा कर रहा था, खरगोश अपना जान बचाने के लिए भागता जा रहा था और भागते भागते जाके बिल में ढुक गया। कुत्ता भी उसके पास जा करके बैठ गया बिल के पास और देख रहा था कि खरगोश कब निकलता है, एक खरगोश भी देख रहा था। लेकिन कुत्ता बाद में आशा पासा देख के बोला कि भाई खरगोश मुझे एक चीज बता दो, मैं एक सवाल करता हूँ, सिर्फ सवाल का तुम जवाब दे दो। कौन सा सवाल? ये बताओ कि मेरा पैर बड़ा, मेरा दिमाग बड़ा, मेरा कान बड़ा, मेरा आँख बड़ा, मेरा शरीर बड़ा, तो तुम उससे पकाया कहे नहीं? बोला ये कौन बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटा बात है। इसलिए छोटा बात है कि ये हमको बता दीजिए कि आप मुझे जो पकड़ना चाह रहे थे किस लिए पकड़ना चाह रहे थे? बोला मैं तुझे खाने के लिए पकड़ना चाह रहा हूँ। तो आप क्यों भाग रहे थे? तो मैं अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो वे लाइफ के लिए भाग रहे थे और लंच के लिए खोज रहे थे। यदि वो जान बचा के नहीं भागते, जान प्राण दे करके, तो उनको जान नहीं बचता, ये तो सोच ही रहे थे कि मुझे खरगोश लंच के लिए नहीं मिलेगा तो मेरे मालिक के यहाँ तो फिर शाम में खाना मिलवे करेगा। इसलिए खरगोश जो भाग रहा था, जान बचा के भाग रहा था,
इसलिए वो लाइफ के लिए भाग रहा था और ये लंच के लिए पकड़ना चाह रहा था। यदि कोई व्यक्ति डिएक्शन को लाइफ देखते भर में अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को, अपने सपना को पूरा करने के लिए, चाहत का जिंदगी जीने के लिए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को चाहत पूरा करने के लिए यदि डिएक्शन को करेंगे, मन से करेंगे, चाहत से करेंगे, तो उसी तरह से सफल हो जाएंगे जैसे अपना लाइफ बचाने के लिए सफल हो गया खजूर। इसलिए मैं दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी करें तो मन से करें और दिल से करें। आने वाला समय बीमारी और बेरोजगारी का होने वाला है, जब भी काबू पाया जा सकता है तो डिएक्शन के मार्फत, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि दोस्तों मुझे समझ में आ गया है कि मैं अगर डिएक्शन नहीं करता तो आज उसी मिल में रहते, आज मेरे पास 7.5 लाख की कार नहीं होती, जहाज पर चढ़ के घूमते नहीं होते, आज मुझे 80,000 बोनस नहीं आता। किसके बदौलत आया? उसको लाने वाला सिर्फ और सिर्फ डिएक्शन ग्रैनोडर्मा वाली चाय और अस्पर्लिना। अच्छा मिशन है कि खाने के बाद स्वास्थ्य, हम लोग को टावर गाड़ देना है, जैसे जियो का टावर है, हम लोग को एक एक घर में, एक एक जगह पूरे दुनिया के अंदर टावर खड़ा कर देना है, क्योंकि पूरी दुनिया गैस और कैश की समस्या से जूझ रहा है। यदि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है तो डिएक्शन, डिएक्शन। आने वाला समय बीमारी का होगा, बेरोजगारी का होगा और महंगाई का होगा, यदि सामना करना पड़ेगा तो बस उसका एक ही हथियार है, डिएक्शन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बीमारी, बीमारी बढ़ने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, क्योंकि हम लोग को खाना बिल्कुल जहर है, एक के कोर में जहर जा रहा है, एक के घूंट में जहर जा रहा है, आखिर निकालने का कोई उपकरण नहीं है। जब भी है तो डिएक्शन के पास, डिएक्शन में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है, डिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत बड़ा ई बूस्टर है, बहुत बड़ा टॉनिक है। इसलिए जो व्यक्ति इसको प्रयोग करेंगे वही आगे जा करके निरोग रहेंगे, क्योंकि आज के रेट में भोजन, पानी, हवा, जहर होने के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गया। पहले के लोग 80 साल 100 साल जीते थे, क्यों जीते थे? इसलिए कि स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना खाते थे, देहाती खाना खाते थे। आज के लोग शहरी खाना खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं। जिस खाना में स्वाद है उसमें स्वास्थ्य नहीं है, और जिसमें स्वास्थ्य है उसमें स्वाद नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिएक्शन चाय पीने से गैस ठीक होगा। चाय में नहीं, चाय तो एक बहाना है, चाय के अंदर पूरे संसार का इकलौता महाराजा है, चाय के अंदर महाराजा है, और ये तो सिर्फ चाय एक बहाना है। जिस तरह से दूध के अंदर क्रीम छिपा हुआ है, मक्खन छिपा हुआ है, जो हम लोग को दूध खाने के बाद, पेट में जाने के बाद फायदा होता है, उसी तरह से जो इस इंजेक्शन को प्रयोग करते हैं तो चाय नहीं, चाय के अंदर जो जड़ी बूटी का राजा जो रखा डाला गया है वो काम करता है। इसलिए डिएक्शन के पास सिर्फ क्लीनिंग और बैलेंसिंग और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने का ये टॉनिक है, तो खाना है। आज हम लोग को आंख जवाब क्यों दे रहा है? 40 में चश्मा और 60 में दसवां भोज के बारी क्यों आ गया? घर में बच्चा पैदा होने की समस्या में कमी क्यों आ गया? हम लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? नौजवानी में गठिया क्यों हो रहा है? मेरे पास इस पर लिखा हुआ है रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। एक तरफ जड़ी बूटी का राजा और एक तरफ विटामिन का राजा। जब दोनों तरफ राजा है तो बीच में क्या हम लोग प्रजा रहेंगे? इसलिए डिएक्शन करने वाले सौभाग्यशाली हैं कि आज न कल उनका दिन आने वाला है, क्योंकि बीमारी बढ़ने की पूरी संभावना है, बेरोजगारी बढ़ने की पूरी संभावना है, महंगाई होने की पूरी संभावना है, और जो इस मिशन को अपना लेंगे वही कल अच्छा रहेंगे और उन्हीं का बल्ले बल्ले होगा। यदि डिएक्शन नहीं मिलता तो मलेशिया में नहीं जाने सकता, यदि डिएक्शन नहीं मिलता तो 7.5 लाख रुपया के कार से मैं नहीं घूमता, यदि कार दिनाने का काम किया है तो डिएक्शन। यदि मुझे 80,000 कमाने का मौका दिया है तो डिएक्शन, और नहीं तो आज वही 2-4 हज़ार में लटके रहते। सबसे बड़ा मुझे मिसाल मिला कि जिंदगी बदल गया। हमारा एक लड़का है वो भी स्टार रूबी है, बच्ची एक स्टार एजेंट है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पूरे परिवार को इस लाइन में ला दूँ और डिएक्शन के माध्यम से अमेरिकी कगार पर जाऊँ, सपना साकार हो जाए।
क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जो हम जरूरत से पूरा कर रहे हैं उसको चाहत से पूरा करें। चाहत को पूरा करने के लिए अलग हट के काम करना पड़ेगा, उसको लिए टाइम नहीं देखना पड़ेगा, 8 घंटा 10 घंटा करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए पावर ऑफ पीपुल या तो पावर ऑफ मनी डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसलिए आने वाला समय डिएक्शन का आने वाला है, इसलिए कि बीमारी बढ़ने की पूरी संभावना है। किसान लोग खाद नहीं कम करेंगे, बाजार में फास्ट फूड की बिक्री की कमी नहीं होगा, चाट चाउमीन बिकने में कमी नहीं होगा। तो आने वाला समय पक्का इंसान गैस से ग्रसित होगा और पैकेट में गैस की कमी से ग्रसित होगा। आने वाला समय डिएक्शन का होगा, जिस तरह से लगन का जब टाइम आता है तो बाजा वाला, डीजे वाला, टेंट वाला, शमियाना वाला, पुराना किराना दुकान वाला सब एकदम दोगुने पैसा लेते हैं, क्योंकि लगन आने के बाद उनका समय आ जाता है। तो हम भी निश्चिंत हैं कि किसान लोग खाद नहीं कम करेंगे, बाजार में फास्ट फूड की बिक्री में कमी नहीं होगा, चाट चौमिन कम बिकेगा। आने वाला समय एक एक इंसान गैस से ग्रसित होगा, कोई निदान नहीं होगा, निदान का वही एक जरिया है डिएक्शन गणोरमा, डिएक्शन गणोरमा। आने वाला समय डिएक्शन का होगा, डिएक्शन का होगा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मिथिलेश। लोग जो देखा है आज आज इस चैनल को व्यू किया है, वो 10 मिनट 15 मिनट में हमने लोगों को मैसेज पहुंचा सकता है। जो आपका जीवन है MSc पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी आपको वो निश्चित जीवन नहीं मिला कहीं से भी, आप भटकते ही रहे। फर्स्ट आपको कोई जॉब मिलेंगे इस तरह भटका, बाद में कुछ ना कुछ स्वयं करके बिजनेस में आप सक्सेसफुल बन सकता है। इतना बिजनेस किया, लगभग मेरा अंदाज से कोई बिजनेस को आप बाकी नहीं छोड़ा। सभी तरह का जो बाजार में और मार्केट में क्या क्या तरह का है, सभी तरह का बिजनेस को आप करके कमाने में प्रयास किया, बट तो भी लास्ट में आपको इतना अच्छा सेक्टर मिला, इतना अच्छा एक इंडस्ट्री मिला, इतना अच्छा एक सिस्टम मिला। कोई भी लोग इतना सेक्टर में सक्सेसफुल सफलता नहीं पाए, वो आकर डिएक्शन में सफलता पाते हैं तो इसका भी आसान कोई भी सेक्टर दुनिया में नहीं है। क्योंकि बिजनेस करने का एक सोच है तो एक ही चीज, यहाँ इन्वेस्टमेंट एक ही चीज का इन्वेस्टमेंट है, सोच का एक ही चीज का इन्वेस्टमेंट है, निर्णय, डिसीशन, निर्णय लेने के बाद एक ही काम है एक्शन। अभी जब तक आपका सोच नहीं बदलेंगे ये इंडस्ट्री के बारे में, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं बनेंगे। एंड सोच बदलने का बहुत बड़ा सोच होने के बाद यहाँ कोई भी रिस्क उठाने को, आप कितना ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना पूंजी डाला, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना लॉस हो गया, किससे आप ये कर्जा उठाया, बैंक से, पर्सनल लोन, मुझे मालूम नहीं है, वो सभी आपको मालूम है। कितना लॉस आपको हो गया वो भी मालूम है। लगभग आप आई थिंक कितना बरस आप ट्रेडिशनल बिजनेस किया, कितना बरस आप डिएक्शन आने के पहले कितना बरस बिजनेस किया? 10 साल आप 10 साल में 10 तरह के भी ज्यादा बिजनेस किया होंगे। 10 साल में अभी इतना तरह का बिजनेस करने के बाद आपका जीवन नहीं बदला, आपका जीवन का बदलना शुरू हो गया जब आप डिएक्शन को पकड़कर डिएक्शन को करने शुरू किया। क्योंकि यहाँ एक ही चीज चाहिए, मेहनत करने वालों को यहाँ कोई भी रोक नहीं सकेंगे कितना भी। अभी यहाँ फेल्यूर का कोई भी चांस नहीं है, बिकॉज
यहाँ आप पूंजी नहीं लगाया, रिस्क नहीं उठाया, को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आर एम्प्लॉयज, ओवरहेड, मंथली एक्सपेंडिचर, अभी रेंट देना है बिल्डिंग को, एम्प्लॉयज को तनख्वाह देना है, वो कुछ भी नहीं, ये ओनली आपका मेहनत, आपने जो आपके तेरा मेहनत उसका खुद का जिंदगी को बदलने वालों को लाए तो वो नेटवर्क बने। नेटवर्क में सभी ने उसका लाइफ के लिए काम करता है, दूसरों को लाइफ के लिए नहीं, फर्स्ट आपका लाइफ को बदलने के लिए, आपका लाइफ का बदले तो उसके साथ हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लाइफ बदल सकता है, क्योंकि ये एक आदमी का सफलता नहीं, एक आदमी का सफलता तो सफलता के साथ हजारों लोगों को सफलता जोड़ते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क में सिद्धांत वही है, अभी अकेला नहीं कमा सकता है, हमने कमा सकता है टीम के साथ, हम कमा सकते हैं लोगों को जोड़कर, हम कमा सकता है दूसरा लोगों को मदद करके, उसको सिखाकर उसको भी कमाने को सिखाना, आप कमाने के पहले दूसरों को कमाने को सिखाना, दूसरों ने कमाने को सिखाए तो उसको इनकम मिले, तो आपके नीचे आप बताया अभी आप डबल डायमंड में आपके नीचे SSD होंगे, ESSD होंगे, डीडी, आपके नीचे DD भी होंगे, TD भी होंगे, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर भी आ सकता है, कोई भी रोकने वाला नहीं है, आपके नीचे कितना लोग बढ़ेंगे, कितना लोग आगे जाएंगे, कितना लोगों को आप मदद करेंगे, कितना लोग कमाएंगे, वो लोग सभी कमाए तो आपको यहाँ हम बताता है पैसिव इनकम, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम माने क्या है? रेसिडुअल माने जो सबको देखकर सबका इनकम के बाद में कुछ एक्स्ट्रा है तो वो रेसिड्यू है, वो हमको मिलेंगे डेवलप करने के लिए। ये डेवलपमेंट बोनस होंगे, लीडरशिप बोनस होंगे, मेन इनकम किसको जाएंगे? जो काम करता है उसको जाएंगे। आपको क्या मिलेंगे? थोड़ा इससे रेसिडुअल इनकम। इसलिए ये लोग, बट रेसिडुअल इनकम तो बहुत पावरफुल इनकम है। रेसिडुअल इनकम एक बार आप करके रखे तो एक साधन, रेसिडुअल इनकम का एक सिस्टम को आप बनाए तो आप काम करे या ना करे, आप है आप नहीं है, वो पैसिव इनकम और रेसिडुअल इनकम आते ही रहेंगे। मिनिमम पर्सनल वॉल्यूम मेंटेन करे तो अभी 3000 PV, बहुत लोगों ने 3000 PV ही ओनली करता है, उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख भी लेते हैं, क्यों? वो रेसिडुअल इनकम है, वो काम करके सिस्टम को बनाकर, टीम को बढ़ाकर रखा है। इसीलिए ये इंडस्ट्री का जो सारांश है, सबको मदद करना, सबको कमाने को सिखाना, सबको हेल्प करना, आप सबको हेल्प करें तो कितना लोगों को आप मदद करेंगे उतना बड़ा ग्रोथ होंगे। इसीलिए ये थोड़ा रुकावट आया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। लोगों को जो इन्फॉर्मेशन जाना है आपका लाइफ का, वो इंट्रोडक्शन में ही रंजीत ने बताया, और एवरी मंथ बुक ऑफ द मंथ को मैं अनाउंस करना शुरू किया हूँ, ये तो तीसरा महीने है, फर्स्ट महीने में आप लोग उसको पढ़ना, कितना लोग लिया पढ़ा मुझे मालूम नहीं, नहीं पढ़े तो आप नहीं बढ़ेंगे, आप बढ़ना है तो पढ़ना, कमाना है तो पढ़ना, फर्स्ट लर्न, लर्निंग क्या है? पढ़ना, सीखना, LEARN, लर्न होने के बाद ही आपका एबिलिटी आएंगे अर्निंग का, EARN, कमाने को शुरू होंगे, फर्स्ट L निकाले तो क्या होंगे, कितना लेटर, कौन सा लेटर रिमेनिंग है, ई,
EARN earn आप कमा सकता है। एंड थिंक एंड ग्रो रिच हमने फर्स्ट महीने में बताया, सेकेंड महीने में आपको रिच डैड पुअर डैड बताया, अभी ये महीने में मैंने बहुत बड़ा किताब, ये नेटवर्क इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री का एक आईना है, ये वेलनेस इंडस्ट्री का एक आईना है, इसका नाम है वेलनेस, न्यू वेलनेस, द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक ए फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बाय पॉल्सन पिल्सर। एंड इसने बताया है ये इंडस्ट्री अल्टी, ये इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द अभी फ्यूचर इंडस्ट्री, सो द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, परहैप्स वो हिंदी में भी मिल सकता है, इंग्लिश में जो आया है वो बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया है, अमेजॉन में आप ढूंढ सकता है, आप कहीं ऑनलाइन किताब ढूंढ सकता है, बट ये महीने आप जबरदस्त न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन को, जो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो वेलनेस इंडस्ट्री में कमाना चाहते हैं, जो वेलनेस को, वो आपको अभी चाय दिखाया, चाय क्या है, वेलनेस है, अभी गेनाडर्मा क्या है, वेलनेस है, ये सभी इलनेस के लिए नहीं, ये सभी रोग के लिए नहीं, रोगों को रोकने के लिए है, रोगों को रोकने का चीज को हम क्या बताता है, वेलनेस बताता है, हेंस ये सभी, इसीलिए ये वेलनेस का बहुत बड़ा क्रांति कैसा आता है, ये वेलनेस क्रांति कैसा आता है इसमें लिखा है, हेंस द ये महीने में अगस्त महीने में द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन को आप सभी लोग आरवीसी चैनल में अभी ट्रेनिंग लेकर बढ़ना चाहे तो मैं जो किताब को रेकमेंड करूंगा एवरी मंथ उसको खरीद कर पढ़ना, क्योंकि आपको जो सिलेबस है कॉलेज में, आप एमएससी किया है जियोग्राफी में, एमएससी बताया, आपको सिलेबस था, किताब था, एग्जाम था, मालूम हो गया ना, डिग्री किया, किताब, सिलेबस था, बट उससे फायदा हो गया, बट ये पढ़े तो आप अमीर बनेंगे, ये किताब से भी अमीर बनने के लिए, डिग्री लेने के लिए नहीं, डिग्री माई आपको मुफ्त में देता हूं, आरवीस में ये पेनी, आप आपको अमीर बनने का डिग्री देता हूं, ये डिग्री क्या है यहाँ, अमीर बनने का डिग्री, नॉट गरीब रहने का डिग्री, हैंस आपको डिग्री लेकर, डिग्री लेने के लिए पढ़ना नहीं है, कमाने के लिए पढ़ना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पढ़ना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए पढ़ना है, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको अमीर बनने का सिस्टम को नहीं सिखाता है, वही हम सिखाता है यहाँ, आपका सभी मॉडल है अभी 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कमाने वालों को जो ये चैनल में दिखाता है, ये सभी मॉडल है, प्रूफ प्रूफ है कैसे लोगों ने उसका जिंदगी को बदल दिया, हैंस आप लोग मेहनत कीजिए, सिस्टम को अप्लाई कीजिए, आप सभी अमीर बनना, इसीलिए हमारा चैनल में डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल में हम दिन रात काम करके नया नया लोगों को उसका रियल स्टोरी को, सक्सेस स्टोरी को सामने डालता है, उसके साथ साथ ही सभी ट्रेनिंग ऑन द सिस्टम, अबे कल तो दो दिन के पहले, नॉट दो दिन, कल तो अग्रवाल जी ने वो जो ट्रेनिंग दिया, क्यों लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होता है, फेल नहीं होने के लिए क्या करना है, ये इस तरह का जो ट्रेनिंग, हाईली प्रोफेशनल ट्रेनिंग अमीर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, कमाने के लिए, बढ़ने के लिए,
वेल्दी बनने के लिए, वेल्थ सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ द वेल्दी पीपल, ये सभी यहाँ हम लोगों के सामने रखेंगे। लोग बढ़ना नहीं बढ़ना, पढ़ना ना पढ़ना, सीखना नहीं सीखना, कमाना नहीं कमाना, वो सभी आपका फ्रीडम है। यहाँ कोई दबाकर फोर्स करके किसको हम नहीं करें। हमने ये माध्यम से आपको अच्छा कोचिंग देंगे, अच्छा ट्रेनिंग देंगे, अच्छा इंफॉर्मेशन देंगे, उसको यूज करके अमीर बनना ना बनना आपके हाथ में है, वो आपका फ्रीडम है। सभी लोगों ने इसको यूज करके, सिस्टम को यूज करके बढ़ना, आप लोग सफल होना, इसके लिए हम आपके पीछे दिन रात हैं। हैंस मेक यूज ऑफ डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल, 7 बजे का ट्रेनिंग टीम के साथ आप सीखिए, सबको सिखाइए, एंड गॉड ब्लेस यू टू बी रिच। एंड आप सभी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, लाइक डालिए, सो दैट आपको नया नया इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और कल 7 बजे को हम और एक लाइफ स्टोरी के साथ आपको सिखाने के लिए आएंगे। विश ऑल द बेस्ट, गो करो नंबर।